बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम अफ्तार विद असद। और जनाब, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और रोज़े भी बहुत अच्छे से गुजर रहे होंगे। गर्मी तो है, लेकिन चाहे गर्मी हो या जैसा भी मौसम हो, रोज़ा तो रखना है, क्योंकि आप कहते हैं ना कि जितनी मुश्किल यानी कि मौसम हो या कोई भी हालात हो, तो उसमें रोज़ा रखने से उसका सवाब और डबल हो जाता है। या यूं कह लीजिए कि जो हमारा हम जब चल रहे होते हैं या कुछ जो हमारा पसीना होता है, तो वो भी हमारे हमारे लिए एक आप कह लीजिए कि नेकी का सबब है। तो भारत जी, ये वेदर तो साथ साथ चलता रहेगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे इस रमज़ान भी डेफिनेटली फर्स्ट रोज़ा भी रख रहे हैं और बहुत सारे बच्चे रोज़ा रख भी रहे हैं। तो बहुत अरसे से, लाइक जब से हम शो जो प्रोग्राम कर रहे हैं, बच्चों के लिए कोई स्पेशल चीज़ नहीं बनी थी। तो आज मैंने सोचा आज की जो एपिसोड है वो बच्चों के नाम करते हैं, और दो तीन रेसिपीज बन रही हैं जो कि बच्चों की फेवरेट हैं। पहली रेसिपी जो हम बनाएंगे जनाब, हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से ब्लैक करंट कप केक बनाएंगे, और उसके साथ सेकेंड और फिर थर्ड शेक बनेगा, वो क्या होगा साथ साथ बताएंगे। सबसे पहले जनाब, शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे स्पॉन्सर्स का, जिसमें हम मौजूद हैं जनाब स्प्राइट, जाम शीरी, डालडा और नूरपुर। उसके साथ साथ हमारे पास किचन स्पॉन्सर्स हमारे पास मौजूद हैं फोटाइल, आपका बहुत शुक्रिया। उसके साथ साथ क्रॉकरी स्पॉन्सर हैं हमारे पास हर्ष। तो जनाब, इन तमाम आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया कि हमारे प्रोग्राम को आपने जो है सराहा और चार चांद लगाए अपनी प्रोडक्ट के साथ। चलिए जी, स्टार्ट करेंगे आज की रेसिपी। और फर्स्ट रेसिपी जो हम बना रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आज की जो एपिसोड है कुछ बच्चों के लिए हम बनाएंगे, और फर्स्ट रेसिपी कपकेक्स की है। अच्छा, कपकेक्स के लिए आपको जो चीज़ें दरकार हैं वो नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले तो इसमें डेफिनेटली मैदा हमें चाहिए। मैदा हम यूज़ करेंगे इसमें दो कप। दो कप मैदे के साथ हम यूज़ करेंगे चीनी। चीनी के साथ यहाँ पर मेरे पास मौजूद है, ये हैं ब्लैक करंट्स, ठीक है। उर्दू में जर्श कहा जाता है और इंग्लिश में इसको कहते हैं ब्लैक करंट। किशमिश की ये फैमिली है, थोड़ी सी छोटी, अक्सर केक में आपने देखा होगा ये डली हुई होती है, ठीक है। उसके साथ हमें चाहिए इसमें बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर के साथ हम यूज़ करेंगे इसमें अंडे, और अंडों के साथ इसमें जाएगा जनाब अनसॉल्टेड बटर, यूज़ कर लीजिए। और अगर आपके पास बटर इस वक्त लाइक फ़ौरन मौजूद नहीं है, तो आप इसमें डालडा कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो हम डालडा कुकिंग ऑयल डाल देंगे। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास फोटाइल का ओवन है इसको हम ऑन कर देते हैं। अच्छा, हमेशा याद रखिएगा कि केक बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो जो आपने केक, बिस्किट, पेटिस, कुछ भी आप बना रहे हैं, तो आपने उसको मिडल में रखना होता है। तो हमने इसको मिडल में लगा दिया है। मिडल में लगाने के बाद अब इसको हम अप एंड डाउन दोनों फंक्शन ऑन कर देंगे। और अगर आप लोगों के पास सिर्फ जो है गैस ओवन है, तो उसमें डेफिनेटली फिर ऊपर का जो ग्रिलर है वो एक साथ ऑन नहीं होता, तो आप सिर्फ नीचे का बर्नर ऑन कीजिए। 180 टेम्परेचर हमने सेट कर दिया है। अच्छा जी, उसके बाद अब हम केक की मिक्सिंग स्टार्ट करेंगे, और इसके लिए हमें चाहिए विस्क। आप बीटर से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, बीटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सबसे पहले अंडे, 3 अदद अंडों का इस्तेमाल करेंगे। और इसको हम फेंट लेंगे अच्छे से। ठीक है, और इसमें हम डालेंगे चीनी। चीनी मैंने थोड़ी सी पीस ली थी, ठीक है, पिसी हुई चीनी आप यूज कर लेंगे तो आपका काम जरा सा आसान हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप फिर नॉर्मल चीनी इस्तेमाल कर लीजिए, ताकि उससे तो वो बहुत जल्दी फिर डिसॉल्व हो जाती है। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने पिसी हुई चीनी का ही इस्तेमाल करना है। और इस तरह से जस्ट आपने इसको मिक्स करना है,
ताकि चीनी अच्छे से हमारे पास क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम शामिल करेंगे डालडा कुकिंग ऑयल हाफ कप। मैं अंदाजे से डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे मेजर पता है, आप जब डालेंगे तो आप हाफ कप बिल्कुल मेजरमेंट करके डालिएगा, ठीक है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद अब हमने क्या करना है, हमने शामिल करना है मैदा। मैदे के साथ ही हम शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर आपने डालना है इसमें 2 चाय की चम्मच, और उसके साथ ही आप डाल देंगे इसमें ये ब्लैक करंट, ठीक है, और इसको आप मैदे में अच्छे से ऐसे मिक्स कर लीजिए ताकि मैदा और बेकिंग पाउडर ब्लैक करंट मिक्स हो जाए। अब इस मिक्सचर को आपने अच्छे से मिक्स कर, ठीक है, ये इस तरह से बैटर को आपने मिक्स कर लिया, और इसमें हम डालेंगे अब नूरपुर का दूध, तकरीबन 1/4 कप के करीब। अच्छे से मिक्स करेंगे, और अब ये हमारे पास जो बैटर है कपकेक का वो तैयार है। इसको अब हमने क्या करना है, इसको जस्ट अब हमने कपकेक के सांचे में डालेंगे और इसको जो है बेक होने के लिए रखेंगे। ठीक है, आप ये देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से आ जानी चाहिए, ये देख, ठीक है, ये ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको इस मिक्सचर को हम कप्स में डालते हैं। उसके लिए कोई भी आप जरा आप कह लें कि काम सफाई से हो जाता है, कोई भी आप जग ले लें, दूधदान ले लें, ठीक है, जिससे आप इजीली इसको पोर कर सकें। अच्छे से क्लियर कर लीजिए ताकि बैटर आपका जाया ना। और अब जो है हम ले लेंगे जनाब हमारा पैन, यहां पर है, साइड में कर देते हैं। अच्छा, पेपर लाइन ये मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, ठीक है, इस तरह से ये आप अपने पैंस पर लगा लीजिए। आजकल ये बहुत स्टाइल के मिल रहे हैं, कलर भी हैं, प्रिंटेड भी हैं, तो जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप लगा सकते हैं। चल, ठीक है, अब आपने इसमें आपने बैटर को पोर करना है, तो ये जरा नीट आपका काम हो जाएगा, सफाई से हो जाएगा, ठीक है, स्पून से डालेंगे तो वो जगह जगह गिरेगा, इसलिए बेकिंग का जो काम है बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ करने वाला काम है, जल्दबाजी आप बिल्कुल नहीं करेंगे, और बहुत ज़्यादा किचन आपका मैसी हो सकता है अगर आप उसको प्रॉपर नहीं करेंगे तो। आपने देखा कि अगर थोड़ा सा प्लान करके काम करेंगे तो आपका काम बहुत नीट होगा। और ये भी जरूरी नहीं है कि जो इक्विपमेंट मेरे पास यहाँ है या जो सामान मैं यूज कर रहा हूँ वो होगा तो ही आपकी बेकिंग या केक बनेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये नॉर्मल आप घर में जो दूधदान होता है आप वो दूधदान ले लीजिए, चाहे छोटा हो, डजंट मैटर, आप उसमें डालिए और उसमें डाल के इस तरह से पोर कर लीजिए।
या आइसक्रीम स्कूप है तो आइसक्रीम स्कूप से भी आप ये काम कर सकते हैं। और आप फिलिंग देख रहे हैं, मैं इसको ऊपर तक फिल कर रहा हूं, ठीक है, ताकि जब ये राइस हो तो ये थोड़े से बाहर आ जाए। और इसका जो बेकिंग टाइम है फोटाइल के अवन में ये तकरीबन 15 से 18 मिनट लेंगे और गैस अवन में ये 20 से 25 मिनट में तैयार हो जाए। ठीक है जी, ये हमारे पास अवन में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास रेडी हैं। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा आप टैप कर दें ताकि इसकी जो एयर है वो निकल जाए। चलिए इसको लेकर चलते हैं अवन की जानिब और इसको हम अवन में रखते हैं, साथ ही ब्रेक का टाइम है। ब्रेक पर जाएंगे और जनाब ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो फिर हमारी जो सेकंड रेसिपी है बच्चों के लिए वो क्या बन रही है वो आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, और फर्स्ट रेसिपी हमारे पास जो ब्लैक करंट हमने कपकेक्स अवन में बेक होने के लिए रख दिए हैं, और सेकंड रेसिपी क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि आज की जो रेसिपी है वो हमने किड्स स्पेशल की है, तो सेकंड रेसिपी भी किड्स के लिए है, बच्चों के लिए है, और लेकिन इसको बड़े भी इंजॉय करते हैं। फ्रेंच टोस्ट हर घर में बनते हैं, स्पेशली सैटरडे संडे तो बन ही रहे होते हैं, लेकिन आज के फ्रेंच टोस्ट में चेंज क्या है, इसमें नया क्या है? इसमें जनाब हम यूज़ कर रहे हैं चॉकलेट, और चॉकलेट फिल फ्रेंच टोस्ट हम बनाएंगे। और इसमें मेन चीज़ क्या है, हम नूरपुर का, यहाँ पर मेरे पास मौजूद है दूध, तो नूरपुर का दूध हम इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ हमें चाहिए ब्रेड, ठीक है, ब्रेड स्लाइसेस हैं, न्यूटेला चॉकलेट ले लीजिए या कोई भी चॉकलेट स्प्रेड ले लीजिए जो आपके पास अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। गार्निशिंग में इसके ऊपर टॉपिंग में हम चॉकलेट सिरप यूज़ करेंगे, और उसके साथ हमें चाहिए होंगे अंडे। ठीक है, बहुत सिंपल रेसिपी है। क्या करना है, फर्स्ट सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ब्रेड है इसके एजेस निकाल देते हैं। ठीक है, फ्रेंच टोस्ट बना रहे हों या फिर आप शाही टुकड़े बना रहे हों, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके ये जो इसके एजेस हैं इसको आप रिमूव कर दिया करें, ठीक है, ताकि आपके जब आप इसको सर्व करें या आपके बच्चे या मेहमान शाही टुकड़े या फ्रेंच टोस्ट खाएं तो क्या हो कि ये एजेस जो है वो फिर बहुत ट्रबल करते हैं, तो इसलिए मैं दो दो कर लेता हूं। ठीक है, इस तरह। और कोशिश कीजिए अगर इसके लिए आपके पास एक लाइक एक दिन पहले की ब्रेड मौजूद है तो आप उसको यूज़ कीजिए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जितनी फ्रेश ब्रेड होगी फिर उसको आपको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद इस पर स्प्रेड करेंगे हम चॉकलेट, ठीक है, न्यूटेला कर लीजिए या सादी कोई भी स्प्रेड आप ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहें चॉकलेट नहीं है तो फिर आप इसमें जैम भी लगा सकते हैं, ठीक है, कोई भी जैम का इस्तेमाल भी आप इसमें कर सकते हैं। और ये जो एजेस आपके बच्चे हैं इसको आप क्या कीजिए, सेव कर लीजिए, और इसके आप सुखा के बैट क्रम्स में इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये बैट क्रम के काम आ जाएंगे। अब हम स्प्रेड करते हैं अपने पीसेस पर चॉकलेट। और इसको जो है, अच्छा, इसमें आप आजकल बहुत ज्यादा हेजलनट और इन सारी चीजों के साथ भी चॉकलेट आ रही है, तो आप चॉइस है, वो भी आप यूज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, या इसी में स्प्रेड करके चॉकलेट और कोई भी आप सॉफ्ट फ्रूट या फिर नट्स डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं।
ठीक है, तो एक ही रेसिपी में बहुत सारी वेरिएशन जो है वो आप दे सकते हैं। ये हमने स्प्रेड कर दिया सेकंड स्लाइस पे भी, स्प्रेड करते हैं और उसके बाद फिर इसकी फ्राइंग की जाने पाएंगे। और ये ना सिर्फ बच्चों के लिए अफ्तारी के लिए, सहरी में भी जो बच्चे जरा ट्रबल करते हैं, रोजा रखने का शौक है लेकिन वो पराठा या इस तरह की चीज नहीं खा रहे होते, तो आप ये बिल्कुल बना के दें, शौक से वो खा भी लेंगे और उनका दिन भी बहुत अच्छे से गुजर जाएगा। ठीक है, इसको अब आप क्लोज कर दीजिए। ठीक है, अब आपकी चॉइस है, इसको आप इस तरह से हाफ करना चाहें स्ट्रेट तो आप इसको हाफ कर लीजिए। ठीक है, ये इस तरह से आपने हाफ कर लिया और ट्रायंगल में करना चाहें ट्रायंगल में कर लीजिए और इसको थोड़ा सा मजीद बाइट साइज में लाना है तो आप इसको मजीद ट्रायंगल एक हाफ कर लीजिए। ठीक है, तो आपकी चॉइस है और इस सेम यही चीज आप राउंड में भी कर सकते हैं, अगर आपको राउंड करना है तो आप राउंड में भी कर सकते हैं। और अब जो है हम इसको करेंगे फ्राई, और फ्राइंग के लिए हमने जैसे आपको मैंने बताया हमें चाहिए नूरपुर का, हमारे पास मौजूद है दूध, ठीक है, नूरपुर का दूध लेंगे और उसके साथ क्या करना है ये आपको बताते हैं। पहले हल्का सा डालडा कुकिंग ऑयल इस पे पोर कर लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैं यहीं रखता हूं क्योंकि हमें और भी चाहिए होगा। अच्छा जी, अब बारी है नूरपुर दूध की, तकरीबन आप ले लेंगे हाफ लीटर के करीब आप दूध ले लीजिए। हाफ लीटर दूध में हम शामिल करेंगे 2 अदद अंडे, ठीक है, 2 अदद इसमें हम डाल रहे हैं अंडे, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे चॉकलेट सिरप, और चॉकलेट सिरप तकरीबन 3 to 4 tablespoons आप डाल दीजिएगा। हमने इसमें आपने देखा शुगर का इस्तेमाल मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि चॉकलेट सिरप हम डाल रहे हैं, ये ऑलरेडी स्वीट है। ठीक है, आप इसमें कंडेंस मिल्क भी डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, लेकिन चॉकलेट क्योंकि बच्चों के लिए हम बना रहे हैं तो बच्चे ज़रा चॉकलेट को पसंद करते हैं। ठीक है, अच्छे से इसको आपने मिक्स कर लिया और अब इसमें हम ब्रेड को डिप करेंगे और फ्राई करेंगे। अच्छा, डीप फ्राई नहीं होते हैं आप जानते ही हैं, इसको हमने हल्का सा जस्ट शैलो फ्राई करना है। चल, अब हमने ब्रेड के स्लाइस को इस तरह से आप इसमें डिप करें, डिप करने के बाद फ्राइंग के लिए डाल देंगे। ठीक है, फ्लेम को आपने नॉर्मल रखना है, बहुत ज्यादा तेज नहीं होनी चाहिए फ्लेम। ठीक, नाइस कलर आ गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, जरा साइड पर करता हूँ
ताकि इसका और अच्छा सा कलर आ जाए, और बाकी का जो स्लाइस हैं बाकी के वो भी हम ऐड करते हैं। बहुत सिंपल रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और बच्चों को तो खैर बहुत ही पसंद आएंगे, और बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत पसंद आएंगे। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिए। आप हल्का सा और डालडा कुकिंग ऑयल है, और डालडा का आप स्लोगन जानते हैं कि जहां मामता वहां डालडा, तो इसको आप अच्छे से अब आपने फ्राई करना है। व्हाइट प्लेटर ले लेंगे क्योंकि आज की जो डिश है हमारी थोड़ी सी ब्राउन है, तो इसको हम व्हाइट प्लेटर में निकाल लेंगे। ये देखिए बेहतरीन सा कलर आ गया है, और इसको फौरन टर्न मत कीजिए ताकि कलर अच्छा आ जाए, ठीक है। और ये वाला भी हम चेक कर लेते हैं, नाइस कलर आ चुका है। ये देखिए मैं फिलहाल यहां उतारता हूँ, फिर इसकी प्रेजेंटेशन की तैयारी कर लेते हैं। ये थोड़ा सा हो जाए और फिर फाइनल एक जो रह गया है वो भी डाल देते हैं। और आप देख रहे हैं बहुत कम ऑयल में हमने इसको फ्राई करना है, ज्यादा ऑयल आपने यूज नहीं करना। चलिए जी, रेसिपी हमारे पास कंप्लीट है, और इसकी अब प्रेजेंटेशन देंगे। चलिए ये भी हमारे पास डन है। ठीक है जी, और उसके बाद चलिए जी, ये हमारे पास बच्चों के लिए बेहतरीन से चॉकलेट फ्रेंच टोस्ट तैयार हैं, और जिसमें हमने यूज किया है जनाब नूरपुर का दूध, ठीक है, और चॉकलेट स्प्रेड, और ये हमारे पास हो गए तैयार। आई थिंक इसकी इनफ हो जाएगा, ये हमारे पास प्लेटर तैयार है, और इसको आपने एंजॉय की करना है, और बच्चों को हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लगा। साथ ही एक नज़र आपको दिखाते हैं हमारे कपकेक्स, बल्कि मैं टिश्यू ले लूँ ताकि आपको मैं ज़रा दिखाता हूँ। हमारे पास ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पर जाएंगे, और ब्रेक से वापस आके आपने हमारे साथ रहना है। ये देखिए जी, बेहतरीन से कपकेक्स ऊपर राइस हो चुके हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम इनको बाकी है, तो हम क्या करेंगे, ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बच्चों के लिए ज़बरदस्त सी जो एक ड्रिंक है, शेक है बल्कि, वो बनेगा। क्या बनेगा ये आपको बताएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं, और हमारे पास दोनों रेसिपीज तैयार हैं। जो हमने फर्स्ट रेसिपी अवन में रखी थी वो भी तैयार है, और साथ साथ जनाब आप जानते हैं कि इस सेगमेंट में हमारे पास सेलिब्रिटी होते हैं, तो साथ साथ हम उनको भी वेलकम करते हैं। आज की जो सेलिब्रिटी हैं, रेडी स्टडी गो आप देखते हैं ड्रामा, और इनके और कौन कौन से ड्रामे हैं और कौन कौन सा इन्होंने वर्क किया है, ये सब उनसे जानेंगे, और उसके साथ साथ लाइवली बातचीत होगी। तो हमारे साथ मौजूद हैं कामरान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है, बहुत शुक्रिया कि आप इतने आ जाएं। थैंक यू सो मच। शेड्यूल निकाल, बिजी शेड्यूल में से आपने टाइम निकाला। देखिए जिंदगी के कुछ एम्बिशंस होते हैं बड़े अच्छे जी, उनमें से मेरा एक एम्बिशन था कि आपके साथ का प्रोग्राम करूं। अरे सर बहुत शुक्रिया, इट्स एन ऑनर फॉर मी कि आपने मौका दिया, बुलाया आपने। थैंक यू। और बताइए क्या चल रहा है आजकल?
کیا مصروفیات ہیں؟ جی روزے چل رہے ہیں, اس کے علاوہ ہمارے یعنی کہ اپنے پروگرامز بھی چل رہے ہیں, جیسے ہمارے جتنے بھی ڈرامے وغیرہ ہوتے ہیں شوٹس, اس کی چیزیں چل رہی ہیں, لیکن روزوں کی وجہ سے آبویسلی بہت زیادہ ڈل ہو گئے ہم لوگ. ہاں تو شوٹ وغیرہ کیا سیم یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دن کے ٹائمنگ میں بھی ہوتے ہیں یا پھر آفٹر افطار؟ دیکھیں اٹ ڈیپینڈز اپون دی اویلیبلٹی آف آرٹسٹ. ہم لوگ کا تو مسئلہ نہیں ہے, ہم لوگ تو مزدور لوگ ریڈی رہتے ہیں صحیح. کچھ چیزیں ہمارے آرٹسٹوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کون کس ٹائم ہمیں فری مل رہا ہے. اچھا تو ابھی ایسا اسکیڈول چل رہا ہے رمضان کی وجہ سے کہ بہت سے آرٹسٹ افطاری کے بعد مل رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور بہت سے آرٹسٹ سحری کے بعد مل رہے ہیں. اچھا تو اب اٹ ڈیپینڈز کہ ہم کس طرح کام کر رہے ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے الحمد للہ کہ جو ہماری پلے انٹرٹینمنٹ کی ٹیم ہے وہ اتنی کوآپریٹو ہے ہمارے ساتھ کے, اسپیشلی میں نام لوں گا ہمارے جو ایڈیٹرز ہیں جی, دے آر ویری گڈ. اگر ہم ان کو اگر رات میں بھی کوئی چیز لا کے دیتے ہیں تو صبح ہمیں ریڈی ملتی ہے, وہ تو بالکل مجھے بھی اندازہ ہے. تو بالکل یعنی کہ جس طرح ہم 24/7 ہماری پوری ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے ماشاء اللہ, تو کام نکل جاتا ہے, نہیں تو اگر کہیں اور ہو تو بہت بری طرح پھنس جائیں. بالکل جی, اور ساتھ ساتھ جو ہے بڑے مزے کی چیز لگ رہی ہے, بس یہ ہم نے کوشش کی ہے آج کٹس اسپیشل کرنے کی اور بچوں کے لیے, کیونکہ بچوں کو کپ کیکس جو ہے بہت پسند ہوتے ہیں, تو ہم نے بلیک کرنٹ کپ کیکس بنائے ہیں, چاکلیٹ فل ہم نے فرینچ ٹوسٹ بنائے ہیں, مزیدار مزیدار. یہ تو میں آپ سے لے کے جاؤں گا کیونکہ میری بیٹی ایک تو آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہے, بالکل بالکل, اور پلس وہ کپ کیک بہت شوق سے کھاتی ہے, تو یہ تو میں آپ سے لے کے بھی جاؤں گا شیور. اچھا اور کیونکہ ہم نے اس میں بلیک کرنٹ یوز کیا ہے تو تھوڑی سی لائک بلیک کرنٹ ہم اس پر ایڈ کر دیتے ہیں تاکہ یہ اوپر تو ہم نہیں اس پہ رکے گی, سائڈ پر ذرا سا ڈال دیتے ہیں ان کی پریزنٹیشن کے لیے. اچھا کوکنگ سے آپ کو ہے تھوڑا کوئی لگاؤ شگاؤ کچھ بناتے ہیں؟ کوکنگ سے دیکھیں بناتا نہیں ہوں لیکن لگاؤ ہے. اچھا بناتا نہیں ہوں وہ ایک الگ بات ہے کیونکہ مجھے پتا ہے وہ پھر کھانا مجھے پڑے گا, اور کھانی پائے گا. اچھا لیکن بالکل کوکنگ کا شوق ہے, کوکنگ یعنی کہ کھانے کا شوق ہے, کھانے کا بہت شوقین ہوں میں, ٹھیک ہے. اور یہ کہ بس میری صرف ایک چیز ہوتی ہے کہ بس مرچی نہ ہو, باقی ہر چیز کھا لیتا ہوں میں. اچھا تو مطلب بنانے کا تھوڑا بہت شوق ہے؟ بنانے کا بالکل شوق ہے, کوشش بھی کی, کوشش بھی کی. تو چلے آ رہے ہیں پھر آپ سے ایک ڈرنک بنواتے ہیں, تو یہاں پہ اب آپ جو ہے ایک جی جی تھوڑی سی ڈرنک بنائیے, آپ اس پوزیشن پہ آ جائیے. اچھا ہم بنائیں گے جناب اوریو شیک, اور اوریو شیک کے لیے ہمیں سب سے پہلے اوریو بسکٹس ہیں یہ ہم ایڈ کر دیں گے. یہ کتنی کوانٹٹی میں ایڈ کروں؟ یہ سارے ڈال دیں. سارے ڈال دو جی, بہترین. ہاں بالکل صحیح. اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس شوگر سیرپ ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ ڈال دیجیے. اچھا اس میں آئس کریم بھی ڈال سکتے ہیں, ٹھیک ہے. شوگر سیرپ کتنا؟ یہ ایسے کر کے اس میں سے نکالیں ایسے. اصل میں کوکنگ کا وہ ایکسپیرینس نہیں ہے, تو بس دیکھیں آپ کی شاگردی میں آ گیا ہوں تو آئی ایم شیور ناؤ کہ اب ہاتھ میں ذائقہ آ ہی جائے گا, ٹھیک ہے. اور یہ 4 ٹیبل اسپون 3 اینڈ دس ول میک اٹ 4 جی, اور جتنا بھر بھر کے انہوں نے ڈالا تو یہ 5 ہو گئے. چلے تھینک یو. چلے میری بسم اللہ کوکنگ بڑی اچھی ہوئی ہے آپ کے ساتھ ہوئی ہے. اور اب ہم ڈالیں گے نورپور کا دودھ, اور یہ تقریباً ہاف لیٹر کے قریب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے, ٹھیک ہے جی. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر اس میں آئس کریم آپ ایڈ کرنا چاہیں تو بالکل آپ آئس کریم بھی ایڈ اس میں کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور اب اس کو آپ کور اپ کر دیں, اس کو لگا دیجیے جی, اور یہ آن کر دیجیے. بس جسٹ اتنا کہ یہ تمام چیزیں جو ہے آپس میں شیک ہو جائیں. چلیے اب آپ اس میں پور کر دیجیے. چلیے اور آپ جب تک یہ پور کیجیے میں یہ ٹیبل پر پہنچا کے آتا ہوں, ٹھیک ہے جی. تو ہمارے پاس دونوں جو ہے ریسیپیز کمپلیٹ ہیں, ڈرنک بھی کمپلیٹ ہے بچوں کے لیے آج کی جو افطار اور سحری دونوں تیار ہیں. فیڈ بیک ضرور ہمیں دیجیے گا کہ آپ کو آج کی ہماری ایپیسوڈ کیسی لگی, کیا بات. مطلب اگر اب میں چھٹی کروں تو آپ سنبھال لیں گے سر, بس آپ کی شاگردی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اچھا اب جو ہے آپ تھوڑا سا آپ مزید ہمیں بتائیں کہ اپ کمنگ کیا پروجیکٹس آپ کے آ رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے؟ اصل میں صرف ایک ہی پروگرام ایز اے ڈائریکٹر کر رہا ہوں, وچ از ریڈی سٹڈی گو, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں تیرے نال لو ہو گیا ہم نے کیا تھا سو تھا جو کہ بہت اچھا ہائیلی ریٹڈ گیا, رائٹ. اور اس کا آئی واز ہیئر ایز اے پروڈیوسر. ہاں ابھی ایک اور ہمارا سٹ کام چل رہا ہے اپنا تو اسٹائل یہی ہے, بالکل, اس کا بھی میں ایز اے پروڈیوسر اس کو دیکھ رہا ہوں. اس کے علاوہ ایک نیا سٹ کام اسٹارٹ کر رہے ہیں
जो कि बहुत कम सिटकॉम ऐसे होते हैं जिसके लिए हम लोग पूरी लोकेशन तोड़ के दोबारा बनवाते हैं। इसमें हमने एग्जैक्टली तो ऐसे चीज की है, अच्छा, कि एक प्रॉपर लोकेशन को दोबारा हमने वैरिश किया, अच्छा, और उसको फिर रीबिल्ड किया एज अ सेट। सही, यानी कि आपके जो ज्यादातर जो ड्रामा है जो आप कर रहे हैं वो कॉमेडी बेस है? कॉमेडी बेस है। तो इसकी कोई खास वजह? उसकी खास वजह ये है कि मैं एक तो मैं कॉमेडी करते बड़ा एंजॉय करता हूँ, मुझे खुद पर्सनली बड़ा मजा आता है कॉमेडी ड्रामे करने में। सेकेंडली हम लोग इतना स्ट्रेस होके जब घर पे आते हैं, इवन अगर एज अ व्यूअर अगर मैं अपने आप को कंपेयर करूँ तो मैं टीवी खोलूँ तो या तो मैं खबरें देखूंगा या फिर मैं कोई कॉमेडी चीज देखूंगा। बिल्कुल। तो इस वजह से कॉमेडी देखने में जरा मजा आता है, बंदा रिलैक्स हो जाता है, एक आधे एक घंटा कॉमेडी देख के उसके बाद थोड़ा सा बंदे में रिलैक्समेंट आ जाती है, काम में लग जाता है। बातों का तो खबरों में भी कॉमेडी हमें वो मिल जाती है। बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह वो तो। चलें जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ आए, और टाइम बहुत शॉर्ट होता है हमारा, लेकिन ये है कि आपका फिर भी शुक्रिया कि थोड़े से टाइम के लिए आप आए। नहीं, आपने बुलाया और बड़े मिशन होते लोगों के, तो मैं आपका प्रोग्राम माशाल्लाह इतने अच्छे से करते आ रहे हैं, आई वाज लुकिंग एट दैट, तो इट्स जस्ट लाइक ड्रीम कमिंग ट्रू कि आपने बुलाया, आपने मौका दिया, और अपने एंटरटेनमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया कि जिनके तवस्सुल से आज मौका मिला कि मैं अपने फेवरेट शेफ साहब के साथ बैठा हुआ, जिनके प्रोग्राम्स देखता था खाली मैं और सोचता था यार वो दिन कब आएगा, इनसे मुलाकात होगी, तो आज माशाल्लाह बैठा हूँ आपके साथ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। और कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को, अपने चाहने वालों को? अपने व्यूअर्स को बस यही मैसेज देना है कि प्ले एंटरटेनमेंट देखते रहें, रमजान का महीना है, ज्यादा से ज्यादा इबादत करें, दूसरों को माफ करें, और जिस तरह दूसरों को माफ करेंगे वैसे ही अल्लाह ताला आपको माफ करता रहेगा। बहुत अच्छा। और जब अल्लाह ताला माफ कर देगा जिंदगी आसान है। क्या खूबसूरत बात की आपने। और जनाब, इसी के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे, इस उम्मीद के साथ कि कल भी आप हमारे साथ रहेंगे और अपने एंटरटेनमेंट देखते रहेंगे, और जिंदगी रही तो कल शाम आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मुझे यानी शेफ असद को और मेरे गेस्ट कामरान को दीजिएगा इजाजत। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।